लंबा एक्सपीरियंस है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। आज का स्पेशल सेशन ये डेडिकेटेड है कि महिलाओं के रोगों के बारे में, कि महिलाओं के रोगों को हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे उनसे बच सकते हैं और कैसे हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी कर सकें और कुछ घरेलू नुस्खे किसी भी चीज़ के लिए जो पॉसिबल हैं, चाहे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हों, डिसमेनोरिया महावारी के समय का दर्द, या फाइब्रॉइड्स हों, या पीसीओडी हों, या फिर मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स हों, हार्मोनल रिप्लेसमेंट की जो नौबत आती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कैसे, और फिर जो इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, महिलाओं में बांझपन के बारे में, महिलाओं में कमर दर्द के बारे में, महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन के बारे में, बड़े सारे इश्यूज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुल के आज डिस्कशन करें, उससे लाभ मिलेगा। अब मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रद्योत कौर। अच्छा मैम, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नमस्कार, माइसेल्फ डॉक्टर प्रद्योत कौर फ्रॉम गुरु नानक हॉस्पिटल करनाल। अभी हमने काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट की थी प्रेगनेंसी के बारे में भी और पीसीओडी के बारे में भी, तो आप जो भी कमेंट करेंगे हम उसी के बारे में आगे फर्दर वीडियो भी करेंगे, लाइव सेशन भी करेंगे। फिलहाल आज की इंट्रोडक्टरी सेशन है, शुड आई स्पीक? हाँ मैम, यस। नमस्कार, हमारी महिलाएं, माताएं और बहनें जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे जीवन में होने वाली, आप ये मानकर चलिए कि बहुत हद तक, मे बी 80-90% तक की समस्याओं को हम अपने जीवन में आने से बचा सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा उसके बारे में हमारा दिमाग प्रकाशमान हो जाए, हमें पता चल जाए कि हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। जिन्हें आपको हेलो बोले। नमस्कार जी। तो आप जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं हमारे हरियाणा राज्य की, जो कि हिंदी को भली भांति समझते हैं, तो स्मिता अविनाशी का है कि व्हाट फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड में कौन सा भोजन ना लें फाइब्रॉइड्स के रूप में। मुझे लगता है कि चाहे किसी महिला को बच्चेदानी में रसौली है या पूरी बच्चेदानी की मांसपेशियां बड़ी हुई हैं, जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, और जिस कंडीशन में बच्चा मतलब कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है, रसौली में बच्चा कंसीव करने में मुश्किल नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन एडिनोमायोसिस में बच्चा कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है, तो जितनी भी कंडीशंस रसौलियों से रिलेटेड हैं, ऐसी कंडीशंस में जनरली आई वुड सजेस्ट कि आप अपने शरीर में चर्बी की मात्रा को कम कर लें, सो इट विल रियली हेल्प। अगर आप कम चर्बी वाला खाना खाएं, सीडेंट्री जिंदगी ना जिए, यानी एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कॉलेज के टाइम में लाइफस्टाइल थी। एग्जैक्टली, तुसी पानी दबा के पी सकते हो, आपको चीनी छोड़नी है। अगर इंसानियत को, हम सबको लंबा जीना है, तो हमें चीनी का परित्याग करना ही होगा। मुँह मीठा करने के लिए आप मिश्री चूस के फेंक सकते हैं या थोड़ी बहुत मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये लीड एन एक्टिव लाइफ स्टाइल। मैम, आया अशोक साहू का। मैडम, क्या पीसीओडी में हम कंसीव कर सकते हैं? अशोक साहू, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस मेक्स द सेशन वेरी लाइवली और ये हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत रेलिवेंट है। आज हमारी 60-70% बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ बच्चियों में, किशोरियों में, किशोरावस्था में, रिप्रोडक्टिव एज में और बड़ी उम्र की लेडीज में, यानी कि 45 से कम की उम्र में हम पॉलीसिस्टिक ओवरी देखते हैं। मैडम का गुरु नानक हॉस्पिटल है करनाल में, गुरु नानक हॉस्पिटल बस स्टैंड के सामने, पिछले 20 सालों से हॉस्पिटल है और मैडम को एक्सपीरियंस है पिछले 30 साल का। पहले लंदन में भी थे मैडम, लंदन में थे, वहाँ पे भी बड़े अच्छे रिजल्ट है। इनके पास हरियाणा, पंजाब और यूपी और हिमाचल के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ से पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में भी और पीसीओडी में भी जो कंसीव हुए हैं, दुनिया भर के डिस्प्ले हमने किया और रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, खुल के आप क्वेरीज रखें और आपको उसका उचित जवाब मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सर। तो पीसीओडी का बहुत इफेक्टिवली इलाज हो सकता है और यकीन मानिए, मतलब परमात्मा की दी हुई ये साइंस, बेसिकली ये दिस इज रियली अमेजिंग कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर
अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन का असर हो जाए या कुछ सुपर एडिड प्रॉब्लम्स का असर हो जाए, तो हमें ऐसे पेशेंट्स आते हैं मिलने जो लोग सारी मतलब ऑलमोस्ट बहुत जगह से इलाज करवा के भी जिन्हें ज़िंदगी में या तो अंडा बना ही नहीं, बनता है तो उनको अच्छे से प्रॉपर आकार प्राप्त नहीं हुआ, और जिन लोगों को कहीं से भी आराम नहीं मिलता। एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल एक अच्छा फॉलो करने से हमें फ़ायदा मिलता है, और सेकेंडली बहुत एक्यूरेटली डायग्नोज करने से और सटीक तरीके से इलाज करने से, पेशेंट का मार्गदर्शन करने से, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ही कोई संसार में होगा जिसको हम इफेक्टिवली रिजल्ट ना दे पाए। जरूर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। मैडम है दिस वंदना वर्मा का है सर, PCOD है 8 ईयर से, AMH 14.4, हाई प्रोलैक्टिन 34 है, पीरियड्स नहीं आते हुए 2 ईयर से, वेट 90 kg है मैडम, और हाइट 5'4" है, फाइब्रोएडिनोमा से। राइट, AMH कितना है इनका? AMH 14.4। ओके, वंदना वर्मा। हाँ। नमस्कार वंदना जी, आपका जो पूरा सिनारियो है ये सारा सिनारियो में हमें अपना वेट, मुझे लगता है कि ये एक जस्ट एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको बस इतना ही सेंसिटाइज होना है कि यस थिंग्स कैन बी डन एंड दे कैन बी डन वेरी ब्यूटिफुली एंड इफेक्टिवली फॉर यू। बट मुझे लगता है कि डॉक्टर को मिलने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है शायद दुनिया में। एक बार जिंदगी में किसी ऐसे डॉक्टर से पर्सनली भी आपको मिलके बड़ी इफेक्टिव, बहुत अच्छी, एक बढ़िया काउंसलिंग लेनी चाहिए, सो दैट आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को एक मार्ग, अच्छा मार्गदर्शन लेके आप सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहें जिससे आपका वेट भी कम हो, आप चीनी का परित्याग करें, दबा के पानी लें, कपाल भाति प्राणायाम करें, और ये जो स्ट्रेस हार्मोन हमारा बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू थायराइड एज वेल। स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका नीचे आ सकता है, और गुरु नानक हॉस्पिटल में मैं अब काफ़ी साल से हम लोग निसंतानता का इलाज कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। आपके पास बच्चे हैं वंदना जी? डू यू हैव चिल्ड्रन? वेल आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आपका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है लाइफस्टाइल चेंज और थोड़ी बहुत मेडिसिन से, और मुझे लगता है कि समय लग सकता है। yes. यानी कि यू मे टेक 3 months, 4, 5 months, 6 months, लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हर चीज़ मुझे इफेक्टिवली प्रैक्टिकल कैसे करनी है, तो मुझे लगता है कि आप ना केवल आपको ओवुलेशन बहुत अच्छी होगी, बट कंसेप्शन भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी कंसेप्शन में। आपको इस बात को याद रखना है कि आपका वेट 70 किलो से नीचे आना चाहिए, नीचे होना चाहिए, आपका BMI नॉर्मल हो, और आपको सब दवाइयाँ इवेंचुअली लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड सेकेंडली, आपको बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है कि मेरा वेट नीचे नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि योर बॉडी हैज़ टू बी ब्यूटिफुली टोन्ड अप, बिकॉज अच्छे मार्ग, सही प्रिंसिपल्स अपनाने से आप बहुत ब्यूटिफुली, आपकी बॉडी टोन्ड अप हो जाती है, इट रिस्पॉन्ड्स वेरी गुड टू मेडिसिन। हाँ, तो वंदना यू कैन कंसीव ऑल्सो। आप ना बड़े आप बड़े आशा, आप अपनी आशा ना छोड़े, बिकॉज आपके जैसे तो बहुत पेशेंट्स एक अच्छा मार्गदर्शन लेके उसको प्रैक्टिकल जैसे जैसे धीरे धीरे करते हैं, तो कई बार अच्छे वेट में भी कंसीव करके प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से आपको मैनेज करना है, वी कैन गाइड यू। ये मैडम का व्हाट्सएप नंबर है, डॉक्टर प्रभजोत कौर, MBBS MD गायनेकोलॉजी, तो ये नंबर भी आप कर लीजिए, इस पर अगर आप बैल करेंगे तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और आगे से मैडम का ऑनलाइन जो कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म का आपको लिंक मिल सकता है। थैंक यू नहीं बेटा, आपको इस टाइम पे नीरू जी, आपको इस टाइम पे घी नहीं लेना है, तला हुआ और नमक से परहेज करना है। अगर बहुत मन है तो थोड़ा सा बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए अपनी अपनी आंखों को दिखा सकते हैं, यू डोंट हैव टू टेक। आपको घी, तला और नमक अवॉइड करना है। आप सभी कलर्स के फ्रूट खा सकते हैं, बट आई थिंक हाई BP एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक डॉक्टर की सुपरविजन में रहना होगा, और डॉक्टर जैसे ही बच्चे की कंडीशन को देख के कहेंगे कि अब बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है, तो वो आपको अपने आप गाइड करेंगे कि कब आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। कितना अच्छा सजेशन दिया मैम ने। एक मेरा थोड़ा सा आयुर्वेद में एक्सपर्टाइज है, मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, तो इसमें गोक्षुरु का काढ़ा होता है,
जैसे गोक्षुरु दिखाना, गोक्षुरु का काढ़ा वो आपका बीपी नहीं बढ़ने देगा, उसको बीपी गला सुबह भी आप जैसे उसके गोक्षुरु के 5-6 बीज एक गिलास पानी में उबाल के, जब आधा गिलास पानी रह जाए वो ले लें उबाल के, ऐसे ही शाम को भी ले लें, उससे बड़ा हेल्प मिलेगी। और लौकी का जूस सुबह पी सकते हैं, वो भी उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, वो भी आपके बीपी को थोड़ा लेवल डाउन रखेगा। उसके अलावा नमक जैसे मैडम ने बताया वो कम कर दें, और आराम आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, डेफिनेटली बीपी कम रहेगा। और भगवान का नाम लें, भगवान का नाम सुमरण से बीपी डाउन होता है। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग सोचेंगे तो दिक्कत होगी, अगर हम सही सोचेंगे सुबह भगवान, और सुबह भगवान का टाइम लेने का जो समय वो अमृत वेला का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेला के समय भगवान का नाम लें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, फिर गुड हार्मोन्स बनेंगे, फिर जो बीपी को कम करते हैं वो अच्छे हार्मोन्स पैरासिम्पैथेटिक टोन आपकी बॉडी की अच्छी हो जाएगी, सिंपैथेटिक टोन डाउन हो जाएगी। गोक्षुरु निकालो इसमें से, ये गोक्षुरु मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो ये बीपी को कम करता है, ये बड़ा अच्छा है। और अनुलोम प्राणायाम भी करें, मैंने एक प्रेगनेंसी का सेशन रखे हुए हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल ये, इस पे प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में मैंने 8 सेशन रखे हैं, लगभग दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज होगी यूट्यूब की, कई कई घंटे के सेशंस हैं, ये जरूर देखें। तो जगदम्बा बेबी केयर का प्रेगनेंसी का है कि किस महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी है, ये जरूर ये सेशन प्रेगनेंसी वाले भी देखें। और ये गोक्षुरु है, गोक्षुरु ये बीपी को बढ़ने नहीं देगा, बीपी को ये ध्यान रखें, इसके 5-6 बीज ऐसे एक गिलास पानी में उबाल के, जब पानी आए थोड़ा सा कूट के हल्का सा डाल दें। अच्छा, दूसरा इससे पहले जो आया था कि पीसीओडी है और 90 kg वेट है, तो वेट रिडक्शन के लिए खाना लिमिटेड खाएं, अपने आप ही फाइब्रोइड्स और पीसीओडी ठीक होंगे और वेट आपका कम होगा। शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खाएं, सूरज छिपने से पहले खाना खा लें, फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एसी वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, सुबह जल्दी उठ के भगवान का नाम भी लें, 1 घंटा योग भी करें, 1 घंटा 4-5 किलोमीटर की वॉक भी करें, हमारी अच्छी पेन स्टेकिंग लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हमें बॉडी को साध के रखना पड़ेगा। अगर हम बॉडी को साध के खींच के रखेंगे तो जैसे ढोलक की, अगर ढोलक को खींच के रखेंगे तार तो ढोलक बजेगा, नहीं तो पसरा पड़ा रहेगा ढोलक, ऐसे ही हम अगर साध को रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा वजन कम ना हो। सुबह और शाम खाना बस दिन में केवल 2 ही बार खाना है, 2 बार खाना खाएं। और मैंने तो एक वीडियो सेशन, 4 सेशन रखे मैंने इस पर अपने जगदम्बा बेबी केयर चैनल पे, कि वजन कम कैसे करें, मोटापा कम कैसे करें, वो बड़े सारे कई हज़ार लोगों ने देखे हैं, उनको जरूर देख के फायदा उठाएं। मेरा तो एक्सपर्टाइज है, मेरा एक्सपर्टाइज है, मेरी फैमिली का एक्सपर्टाइज है, ये मेरी वाइफ है, बेटा है, बेटी है, हम चारों लोग स्मार्ट फैमिली है हमारी, हम लोग हेल्दी रहते हैं क्योंकि हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं। और मेरा पिछले 35 सालों से 35 ईयर से 46-47 kg वेट रहता है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग में आप अर्निंग कर लें, जो कमाई का समय है, भगवान का नाम लेने का समय अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग में अगर हम 3 घंटे लगा देंगे बॉडी को, आत्मा परमात्मा को दे देंगे, तो कोई कारण नहीं कि हमारा वजन ज़्यादा बढ़े। देर रात को सोने से, सुबह देर से उठने से वजन बढ़ता है अननेसेसरी, और हम बड़ी मेहनत करते रहते हैं फिर भी कम नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं सिस्टर। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वंदना जी, आपकी 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है और हो सकता है हफ्ता 10 दिन में आपके बेबी की डिलीवरी का वक्त हो जाए, परमात्मा करे बहुत खुशियों से और सुख से आपका ये काम संपन्न हो। और जो हमारी माताएं बहनें और हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो drprabjotkaur.pregnancy इस नाम से YouTube पे drprabjotkaur.pregnancy अगर आप टाइप करेंगे तो आपको YouTube पे, आई थिंक इट्स एन 8 मिनट्स फिल्म, 8 to 9 मिनट्स की फिल्म है, आप इसको ज़रूर देखें। और मेरा विश्वास है, मैं सदा से ये सोच मत कहती आई हूँ अपने पेशेंट से कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, तो आप ये थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी है। और पूरे 9 मंथ्स हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, ताकि परमात्मा करें कि 70% से ज़्यादा हमारी माताओं, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो ही ना। हम प्रेगनेंसी में होने वाली कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम से बच जाएं, तो परमात्मा करें आप सबको फ़ायदा हो। तो आप इसको ज़रूर देख के इसका लाभ उठाइएगा। आज का ये स्पेशल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में आज का ये Q&A है। ये रूटीनली मैं जब Q&A करता हूँ तो सभी स्पेशलिटीज के बारे में होते हैं, लेकिन आज का स्पेशली गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में है। मैडम जी, यू आर एन अमेजिंग पर्सन बाय स्प्रेडिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम एंड सर, वी फील सो मच मोटिवेटेड बाय वॉचिंग ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सर। सर, मेल हार्मोन्स के बारे में भी करें, ठीक है हम करेंगे। मेरे 4 ईयर्स PCOD के हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे। आप डेफिनेटली करेंगे कंसीव साहू जी, प्रियांशी साहू जी, आपको बस इन चीज़ों को फॉलो करना है।
पीसीओडी को ठीक करने के लिए, फाइब्रोइड्स को ठीक करने के लिए हमें फिटनेस की तरफ जाना पड़ेगा, हमें बीमारी के पीछे नहीं पड़ना कि हम पीसीओडी को ठीक करें। आप फिट हो जाइए, पीसीओडी दूर भाग जाएगी अपने आप ही, पीसीओडी ठीक हो जाएगी। आपका होना चाहिए कि मैं फिट कैसे रहूँ, फिट हो गई सारी चीज़ बॉडी का हार्मोनल बैलेंस ठीक करेंगे पीसीओडी। ये नहीं सोचना कि केवल डॉक्टर ही ठीक करेंगे हमारी पीसीओडी, डॉक्टर का भी रोल है लेकिन आपका बहुत बड़ा रोल है, 80% रोल आपका है पीसीओडी को ठीक करने में। तो आप पीसीओडी का मतलब कि हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं थी, लाइफ स्टाइल ठीक होगी 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे मैडम ने गाइड किया वैसा करें जरूर, नमक चीनी मैदा ट्रांसफैट ये 4 वाइट पॉइजन से बचा रखिए। लाइफ स्टाइल बड़ी मेहनत वाली होनी चाहिए, रात को जल्दी सोना। देखिए मेरी मम्मी जो है, तो मेरी मम्मी के हम 9 भाई बहन हैं, तो हमारी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंडियन फैमिली है, 9 भाई बहन है, 9 की 9 डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई, कभी उनको पीसीओडी नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं। वाइफ है मेरी, दोनों डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई वाइफ को, मेरी 5 बहनें हैं, सबकी सारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्योंकि हमारी बड़ी हेल्दी लाइफ स्टाइल है। हम लोग सुबह 4 बजे से बिजी हो जाते हैं, सुबह 4 बजे से भगवान का नाम लेना, गौशाला जाना, लड्डू गोपाल जी को नहलाना, और फिर अब जैसे 15 साल से हमने योग भी करना शुरू कर दिया है, तो इन चीज़ों में अगर नाम सिमरन करते रहेंगे सारी पीसीओडी दूर हो जाएगी। बस आपको जल्दी सोना पड़ेगा रात को, जल्दी खाना खा लें, सूरज छिपने से पहले खाना खाएं और जल्दी वाइंड अप करें। इनका नाम क्या है, इनका क्या नाम है? प्रियांशी साहब हूँ मैडम। अब प्रियांशी जी, मैं थोड़ा सा, थैंक यू डॉक्टर मनोज, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि आपको जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, आप तो एक तो पानी ज़्यादा पिए, आपको खाने से आधा घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है ज़्यादा। चीनी छोड़ दें, मिश्री का थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, कपालभाति, ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग करना। बस आपको ये सोचना है कि आपको अपनी बॉडी आपकी बहुत बहुत इन्जॉय करें इन सब एक्टिविटीज़ को। आपको सारा स्वास्थ्य सब्जी मंडी में जाके मिलने वाला है, आपको बिस्किट की दुकान, बेकरी की शॉप, केक शॉप पे नहीं जाना है, आपको ताजे फल, सब्जियां, सलाद, हरी सब्जियों का सूप, 18 किलो के बंदे को 1 किलो पानी चाहिए, तो आपको 3-3.5 लीटर पानी पीना है, चीनी का परित्याग करना है और सब कुछ हेल्दी फूड लेना है। आप खाने का अच्छे से इंजॉय कीजिए, आप एक मुट्ठी भर सीड्स, नट्स और बीन्स ले सकते हो, लेकिन बिलीव मी, कपालभाति, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, खुश रहना। हमारे पास इतनी सारी किशोरियां आती हैं जो, जिनको मैं कहती हूँ कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बन जाइए, अगर आप थोड़ी सी चिंता ज़्यादा करते हैं तो चिंता कम कीजिए। और तुसी बिलीव मी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड डॉक्टर मनोज, आप संसार को इतना अच्छा गाइड कर रहे हो कि मुझे लगता है तुसी नाम जपते जपते, जस्ट प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड कि मैं, मेरे से पेशेंट आके पूछते हैं मैडम क्या हुआ है मुझे, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपकी अंडेदानी में चर्बी चढ़ गई है, कैसे ठीक होगी मैडम पीसीओ, तो हम कहते हैं चर्बी उतार लेंगे। तो बिलीव मी कि आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स पे आगे बढ़ना है, और तुसी नाम, प्रे टू गॉड, नाम जपते जपते तुसी जिन्हें भी अच्छे स्टेप्स करोगे, बस सब्जी मंडी से मिलने वाली है और आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आपको आराम आ जाएगा। थैंक यू। एक सिंपल क्वेश्चन आया है कि नाक की एलर्जी के लिए क्या करें, तो नाक की एलर्जी के लिए रात को खाना जल्दी खाएं, उसके बाद वॉक जरूर करके आएं और नमक और चीनी दोनों ही कम कर दें, और एक हरिद्रा खंड आता है पतंजलि का, हरिद्रा खंड वो आधी आधी चम्मच सुबह शाम, आधी आधी एक एक कटोरी दूध में उबाल के ले लें, इससे नाक की एलर्जी ठीक होगी। और सुबह फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, सुबह भी 4 किलोमीटर की वॉक करके आए, शाम को भी। इसमें नाक की एलर्जी खाली दवाई से नहीं ठीक कर सकते, हम लाइफ स्टाइल हमें ठीक करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन है, आपने जो बात की, चाहे आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली ट्रीटिंग डूइंग इनफर्टिलिटी एंड IVF, लेकिन जो आपने नाक की एलर्जी की बात की, अगर आप पहली बात तो आपको जितने भी एलर्जेंस हैं, अगर आपको धुएं मिट्टी से एलर्जी है, पॉल्यूशन से एलर्जी है, किसी फूड आइटम से एलर्जी है, हम सबको तो आजकल इतना पेस्टिसाइड है हमारे खाने में, उन चीज़ों से एलर्जी है, तो बेसिकली आपको एलर्जेंस को अवॉइड करना है। लाल मिर्च, गरम मसाला, बहुत तीखे मसाले, इनको आपको अवॉइड करना है। पानी, कहते यू कैन वॉश अवे द एलर्जी विद वाटर, तुसी सवेरे उठते हो, जब आप मॉर्निंग में उठते हो आप 1 लीटर पानी पिए, पहले अंदर स्नान फिर बाहर स्नान। पानी आप अगर 3.5 लीटर अगर रोज़ पीते हो तो खाने से आधा घंटा पहले और 2 घंटे बाद पानी ना पिए। एलर्जी के लिए अगर आप अपने खाने में ध्यान से चलेंगे कि आपको कौन सी, अच्छा जैसे किसी जख्म पे हम मरम पट्टी लगाते हैं तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि यहाँ कोई तीखी चीज़ ना डालें जख्म पे जिससे जल जाए, इसी तरह से हमारे अंदर जो खाना जाए वो मरम की तरह का खाना जाए। और इसमें एक्चुअली वो हमारी फील्ड नहीं है,
बट देर आर सम मेडिसिन इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. हमारे पास तो अंग्रेजी दवाई है, लिवोसेट्रिजीन है, या जिससे एलर्जी नहीं होती है, लेकिन आई वॉज अमेज्ड. मैंने पेंडेमिक के दौरान मैं हैरान हो गई कि किस तरह से आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, होम्योपैथी काम करती है. जैसे ये बी सी डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन्स की BC6 एंड थ्रोटेड इज अ मिराकल मेडिसिन. तो आप कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपके जीवन में आपको आराम आ जाए. मैडम एक है क्वेश्चन, स्ट्रेच मार्क्स के हो गए हैं, क्या करें, कैसे कम स्ट्रेच मार्क्स? स्ट्रेच मार्क्स आपको डिलीवरी के बाद हुए हैं, तो इस इसमें किनका सवाल है ये? मैम दीपाली पांडे. दीपाली जी, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करते हैं बायो ऑयल्स को, और इसमें से एक अच्छा बायो ऑयल है सिंपल बादाम रोगन. तो आप कोई भी बायो ऑयल को ट्राई कर सकते हैं. एंड आपको अपनी डिलीवरी के बाद एक तो अपने डॉक्टर से पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस के बारे में पूछना नहीं भूलना है. द सिंपल 4 पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं डिलीवरी के बाद, इवन सिजेरियन के बाद भी सिंपल 2 एक्सरसाइज. सिंपल एक्सरसाइजेस हम 15 दिन के बाद शुरू करवा देते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद भी. और आप सिंपल बादाम रोगन, एनी बायो ऑयल जिसमें विटामिन ई हो, आप लगा सकते हैं. एंड दिस विल हेल्प. मैम मेल हार्मोन्स के बारे में बताया, तो मेल इनफर्टिलिटी से इनका मतलब है क्या? मेल हार्मोन्स के बारे में बताइए. मेल हार्मोन्स आई थिंक ये दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, क्योंकि अगर स्त्रियों में पॉलिसिस्टिक ओवरी हो तो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं. हमारी बहुत सी हमारी बहनें, हमारी बेटियां हमारी ओपीडी में आती हैं एंड दे से कि डॉक्टर साहब 2 साल से पीरियड ही नहीं आया. मुझे आज तक वो पेशेंट याद हैं आज से 10 साल पहले, जिनको पीरियड 2 साल से नहीं आए थे, पॉलिसिस्टिक ओवरी थी, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं उनके शरीर में, टेस्टोस्टेरोन, इनका मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और उनको प्रॉपर बियर्ड ग्रो कर गई थी, प्रॉपर लंबी बियर्ड ग्रो कर गई थी, और 2 साल से पीरियड नहीं आए थे. तो मुझे याद है उस पेशेंट के मेरे पास इकट्ठे मल्टीपल 3 बच्चे हुए थे, एक्चुअली स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज. तो ये मेल हार्मोन्स जो बढ़ जाते हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें रिवर्स कर जाती हैं अगर आप एक लाइफस्टाइल को फॉलो करें, और थोड़ी बहुत मेडिसिन देनी पड़ती है हमें. लाइफस्टाइल को ठीक करना हार्मोनल बैलेंस का सबसे बड़ा सोल्यूशन है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर सोल्यूशन है, तो लाइफस्टाइल को बैलेंस करें, तभी मेल हार्मोन ब्रह्मचर्य का पालन भी करें और लाइफस्टाइल अच्छी रखें, नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा. महापुरुषों के सबके हार्मोनल बैलेंस बड़े अच्छे थे, सभी महापुरुषों ने पूरे भारत की परिक्रमा करी. जो लोग नेचर के साथ ज़्यादा रहते हैं उनके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता. अगर हम देर रात को जगेंगे, देर रात तक हम सुबह लेट उठेंगे, तब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. तो लाइफस्टाइल को जरूर ठीक रखें. मैम मुझे पीरियड टाइम से 10 डे पहले आ जाते हैं और एक आधा दिन आए हैं. अनीता जी, अगर आपको पीरियड समय से 10 दिन पहले आ रहे हैं, सॉरी, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें आपको किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को आप एग्जामिन करवा के ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या आपको कोई ऐसी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या किसी प्रकार की कमज़ोरी जिसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी मैनिफेस्ट होता है, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, आपको आई थिंक आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए वंस एटलीस्ट इन योर लाइफ टाइम. उसका कारण पूछिए, और एक बार कारण अगर समझ में आ जाता है, चाहे वो कमज़ोरी हो या वो इन्फेक्शन से रिलेटेड हो या प्योर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो थायराइड से रिलेटेड है, चाहे स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड है, तो आपको वंस यू नो द रीज़न आप बहुत अच्छे से उसको डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर पाएंगे. थैंक यू मैम. मैम एक क्वेश्चन है अनीता जी का कि सॉरी ये प्रियंका क्राफ्ट्स प्लेटफॉर्म है कि सर मुझे पाइल्स हैं, मैंने ऑपरेशन भी कराया था फिर भी, लेकिन अभी भी जख्म हो गए हैं. देखिए पाइल्स एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो जिसको पाइल्स हैं वो दूध या दूध से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लें, फाइबर्स वाला खाना लें, चावल आलू बहुत ज़्यादा ना खाएं, फिर रात को जल्दी सोएं सुबह जल्दी उठें, और फाइबर्स वाला खाना अच्छे रफेज उनको अच्छी लेनी पड़ेगी. और मैं तो चाहता हूँ कि सुबह योग करके, प्राणायाम करके, सैर करके, और लौकी का जूस, खीरा करेला टमाटर का जूस, या फिर इसका पेठे का जूस, सफ़ेद पेठा जो मिठाई वाला पेठा होता है, उस पेठे का जूस, लौकी का जूस लें, उसे जल्दी से जल्दी पाइल्स और इस तरह से यहाँ का जो लोअर सिस्टम है ये बड़ा अच्छा ठीक हो जाएगा. बाकी अगर करना है तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी इसमें कर सकते हैं, वो भी बड़ा इफेक्टिव रहता है. इनका नाम क्या था? इनका नाम है मैम प्रियंका क्राफ्ट्स. प्रियंका जी,
डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी बात है, इस पे प्रकाश डॉक्टर साहब ने डाला है कि पाइल्स इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये हमारी प्यारी बेटियों को कहीं ना कहीं हमें एक्नॉलेज करना ही होगा। और इसमें फिलहाल जब जब आपको पाइल्स का प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने आप को बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। आपके स्टूल सॉफ्ट होने चाहिए, आपको स्टूल सॉफ्टनर्स जैसे ड्यूफालैक का सिरप है या कोई भी स्टूल सॉफ्टनर्स हैं इनका प्रयोग करना है। अपने अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। और पाइल्स में क्योंकि बहुत पेन होती है वंस यू आर पासिंग स्टूल्स, तो आप दवाइयों के अलावा काफ़ी तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जो आपके डॉक्टर चाहे शील्ड ऑइंटमेंट के नाम से डिफरेंट नामों से ये उपलब्ध है। आप सिंपल बादाम रोगन का प्रयोग कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर यू पास स्टूल्स, अगर पेन अगर और कोई दवाई उपलब्ध नहीं है पेन को कम करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली आप चीनी छोड़ के देखिए, आप सारे संसार ने पेंडेमिक देखा तो हमने इस बात का एहसास किया कि जो दही है, जो गाय के दूध की मैं कहूँगी क्योंकि भैंस का दूध हम सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रीम लेके आता है, तो जो दही दही को लेना या योगर्ट का सेवन करना हमारे लिए अति उत्तम है। जिस भी अति उत्तम है, जिस भी इंसान की खाने की आंतें स्वस्थ हैं, आप ये मान के चलिए कि उस इंसान का सारा शरीर स्वस्थ है। आप दिमाग से लेके सिर से लेके पैर तक जितने भी बाहरी और अंदर अंगों के बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो हमारी स्किन हो चाहे वो अंदरूनी अंग हो, दही या योगर्ट का सेवन करना बहुत अच्छा है आपके लिए क्योंकि आपके खाने की आंतों को स्वस्थ रखेगा, आपको अच्छी इम्यूनिटी देगा। सेकेंडली कब्जी, बिकॉज हमें कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है सारे जीवन के लिए, मैं आपको गागर में सागर भरते हुए 2 मिनट में इसके बारे में बताना चाहूँगी कि हम सभी को, सारी इंसानियत को इसके बारे में, इसके बजाय कि हम बार बार डॉक्टर्स के पास जाके कब्ज़ की दवाई लें, हमें सिंपल 2-3 चीज़ों के बारे में जान लेना है। कि पहली बात तो ये कि भगवान ने एक्चुअली ये सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि खाने की आंतों का सिस्टम एक जूसर की मशीन लगाई है। हमें कुछ इस तरह से इसको इमेजिन करना होगा, आप कुछ भी खाते हैं तो जूस अंदर चला जाता है और आपकी जो फोग है वो अंदर बच जाता है। और इसीलिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, यानी कि जिसका कुछ फोग आपके अंदर बचे, चाहे वो चोकर का आटा हो या पहले ज़माने में लोग छिलके समेत फ्रूट्स खाते थे, फल खाएं, सैलड्स खाएं, बनाना लें, जितने भी चीज़ों में फाइबर ज़्यादा है आप उसका प्रयोग करें। और जैसे जैसे ये खाना आपके खाने की आंतों से निकलता है इसमें से पानी सारा सोख लिया जाता है और एक सूखा हुआ मांस बच जाता है, और उस सूखे हुए जो आपके खाने के आंतों के अंदर है आप अगर अच्छे से हाइड्रेट करेंगे, यानी कि 3-3.5 लीटर पानी पिएंगे, दही लेंगे, लस्सी लेंगे या मट्ठा लेंगे, हरी सब्जियों का सूप लेंगे, जितना भी आप उसमें पानी डालते हैं उस सूखे भूखे मांस में, तो वो फूल के कुप्पा हो जाता है। बिकॉज खाने की आंतें इतनी लंबी हैं कि जैसे जैसे ये खाने की आंतों से गुजरता है वो बिल्कुल सूख जाता है, और जैसे इसमें पानी ऐड होता है वो फूल के कुप्पा हो जाता है और वो आराम से बाहर आ जाता है। और मैंने अपने जीवन में, मुझे भगवान का शुक्र करना चाहिए कि मेरे पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ चाहे 15-15 साल से ले रहे थे, इवेंचुअली हम लोगों ने उन लोगों की दवाइयाँ छुड़वानी चाही और उन लोगों को इससे मुक्ति मिली। एक पतंजलि का हरड़ मुरब्बा आता है, हरड़ मुरब्बा ये भी बड़ा हेल्प करता है शाम के खाने के 1 घंटे के बाद जब वॉक करके आए, ये भी आप ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। एक इनका ट्रिकी जी के विद बीबीटी का बार बार फोन आ रहा है कि मेल हार्मोन के इम्बेलेंस के बारे में बताएं, तो ये थोड़ा क्लियर करें कि मेल के अंदर मेल हार्मोन कम हो गए हैं क्या चक्कर है, तो बाद में फिर आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज तो जो मेल हार्मोन जो कम हो गए हैं तो फिजिकली आउटडोर एक्टिविटी अच्छी करें सुबह के टाइम में, ये इसका सोल्यूशन है। खाना अच्छा खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना लें, कोई प्रिजर्व चीज़ ना खाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर मेल के अंदर मेल हार्मोन कम है उससे कुछ महीनों में मेल हार्मोन बन सकते हैं, नेचर के पास ज़्यादा नहीं, ये ध्यान रखें। बाकी उसके बाद PID के बारे में बताएं मैडम। ओके, ये कौन है? निधि, PID स्टैंड्स फॉर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फेक्शंस या स्त्रियों के प्रजनन अंगों की इन्फेक्शन इस संसार में औरतों में होने वाली कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। इसकी शुरुआत हमारे जीवन में होती है हनीमून इन्फेक्शन से,
जो अगेन इज़ अ प्रिवेंटेबल थिंग, इसको पूरी तरह से बचाया जा सकता है। आज पूरे यूरोप में 2 साल से ही लड़कियों को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ भी थोड़ी यूरिन इन्फेक्शंस बच्चों में बहुत कॉमन है, लड़कियों में। लेकिन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, आपने एक बड़ा सेंसिटिव सवाल पूछा है, बिकॉज आई एम वन डॉक्टर जो मैं इस बात में विश्वास करती हूँ कि आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन प्री मैरिटल काउंसलिंग। शादी से पहले अगर हमारे देश की हर लड़की जस्ट सिर्फ एक बार एक किसी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करे हु वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स इन द पावर ऑफ प्रिवेंशन, तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमारे देश में होने वाली ये हर स्त्री को या अधिकांश स्त्रियों को या बहुत सारी स्त्रियों को जो पेल्विक इन्फ्लेमेशन या नीचे के जो कहते हैं कि नीचे दर्द होती है या हमारे प्रजनन अंगों में जो इन्फेक्शन के कारण चाहे वो इनफर्टिलिटी हो या दर्द हो या ब्लीडिंग ज़्यादा हो या आपस में रिलेशन के कारण दौरान दर्द हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को बचाया जा सकता है विद वेरी स्ट्रॉन्ग प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड एडवाइस। कि क्या मार्गदर्शन करें हम अपनी बच्चियों को कि वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट की मरीज ना बने? पीआईडी को रोकने के लिए एक तो सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन के लिए बड़े कॉन्शियस होना चाहिए, ये ध्यान। एक सुबह के टाइम की अर्ली मॉर्निंग की आउटडोर एक्टिविटी अच्छी हो जिससे कि ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे। एक हम जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, बासी भोजन ना लें, तो सिंपल खाना हमारा शुद्ध खाना हो, तब हम हर तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग बड़े ही हम इन्फेक्शन प्रूफ हैं, हम लोग इतना अच्छा खाना पीना रखते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे, नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल होगी तो आप पीआईडी से बच सकते हैं। आगे एक है क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम विल द ब्रेस्ट cyst go by itself, its own, how can we avoid breast cyst? Smita. Okay. Fibroadenoma. Smita, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेस्ट के अंदर जो छोटी सी रसौली हो जाती है, ये डिफरेंट साइजेस की हो जाती है, जिसको फाइब्रोएडिनोमा भी कहा जाता है और ये इसको ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़, हम थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या किस प्रकार हर एक स्त्री को अपने जीवन में अपना बायां हाथ ऊपर करके अपने दाएं हाथ से और अपना दायां हाथ ऊपर करके इस तरह से अपने बाएं हाथ से अपने जस्ट होल्ड ऑन अपने फ्लैट ऑफ द हैंड से अपनी ब्रेस्ट को रोज़ महसूस करना है कि कहीं मेरी ब्रेस्ट में कहीं कोई सिस्ट या कोई स्वेलिंग तो नहीं फील हो रही। तो ब्रेस्ट माउस या फाइब्रोएडिनोमा, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये दूसरी तरफ भाग जाएगा, इधर हाथ लगाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा और ये फ्लैट ऑफ द हैंड से महसूस किया जा सकता है। लेकिन फाइब्रोएडिनोसिस, जिसमें कि ये क्लियर कट डिस्क्रीट स्वेलिंग, आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं, इसको शायद आप ब्रेस्ट सिस्ट के नाम से रेफर कर रहे हैं। एंड इट इज़ रियली अमेजिंग कि जब औरतों का वज़न बढ़ता है, जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, जब उनका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, तो ये ब्रेस्ट में इस तरह की सिस्ट या फाइब्रोएडिनोसिस कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि जब उनको स्ट्रेस हार्मोन की दवाई दी गई या जब इन स्त्रियों को कपालभाति करवाया गया, फैट की मात्रा कम कराई गई, पानी दब के पिलाया गया, चीनी कम की गई, इनके सारा जीवन लाइफस्टाइल बेटर करने की कोशिश की गई, तो इनकी ब्रेस्ट की सिस्ट गायब हो गई। देखिए मैंने कितना अच्छा बताया, लाइफस्टाइल को ठीक करने से ब्रेस्ट सिस्ट ठीक हो सकती है, तो आप बी पॉजिटिव और जरूर आपका आंसर मिल गया आपको। एक तो मानवी जी कह रही है कि वजन कैसे करूं, कम करूं मैम। एक सुमन जी का आया है कि अगर 2 टाइम खाना खाएंगे तो हमें भूख फिर भी लगती है। देखिए भूख लगती है, अच्छी बात है, लेकिन भूख का मतलब होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं क्या उससे हमें सफिशियंट एनर्जी मिल रही है, क्या उसका पूरी तरह से एसिमिलेशन हुआ है खाने का। अगर हमारी एक्टिविटी अच्छी नहीं होती तो हमारे खाने का एसिमिलेशन नहीं होता। खाना खा लिया हमने, पेट में चला भी गया, लेकिन उसे हमें कंपोनेंट मिल नहीं पाया, अलग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट अलग अलग वो नहीं हो पाए। तो इसलिए बॉडी के सिस्टम का हमें टर्नओवर इंप्रूव कर, हमें उसका जो इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी। सुबह के टाइम में अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी अच्छी हो, आप योगा करेंगे, तो थोड़े खाने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपके इंजन की का मॉडल चेंज हो सकता है। तो इसलिए आप लाइफस्टाइल ठीक करें सुबह के टाइम की, और जब भी भूख लगती है तो फल खा सकते हैं आप। जैसे सुबह खाना खा लिया पेट भर के 11 बजे, शाम को 7 बजे खाना खा लिया, सुबह उठ के हमने लौकी का जूस पेठे
का जूस ले लिया, दिन के टाइम में फल खा लिए, ड्राई फ्रूट्स भी हम थोड़े भिगो के ले सकते हैं, क्योंकि पका हुआ खाना हम दो ही बार खाएं दिन में। जो पका हुआ खाना है वो एसिडिक होता है, वो जो रॉ फूड है जितना भी फल हैं सब्जियां हैं सलाद हैं ये एल्कलाइन होते हैं नेचर में, तो एल्कलाइन फूड की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएं आप लोग लाइफ में अपने जो डेली रूटीन में, और एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा ना लें, उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, एंटी एजिंग रहेंगे, तो भूख तो दो बार के खाने से आराम से काम चल जाता है, पेट भर जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती। इनका क्या नाम है? सुमन। सुमन जी बहुत ही कीमती जो है स्टेप्स बताए आपको डॉक्टर मनोज जी ने। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वाकई ही आपकी फीलिंग्स को मैं अपनी फीलिंग्स के साथ शेयर कर सकती हूँ कि कई बार वेट लूज़ करना भी मुश्किल लगता है और दो बार से ज़्यादा हमें भूख लग जाती है। तो आप मॉर्निंग में एक रूटीन बनाएं कि आपने एक लीटर पानी पीना है उठ के ज़रूर, तो उससे काफ़ी पेट हमारा भर जाता है। और इसके अलावा कोई नींबू शहद, या मैं डॉक्टर साहब से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि शहद को किस किस फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें बड़ी बड़ी अच्छी एनर्जी दे जाता है। और एक बार आपने अगर नींबू शहद या शहद के साथ मिक्स करके सेवन कर लेते हैं अगर किसी जूस का नींबू के साथ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप में इतनी एनर्जी आ जाती है पानी पी के कि आपका मन करता है कि मुझे कुछ नहीं करना अभी, मुझे सिर्फ कपालभाति या कोई एक्सरसाइज, और खूब सारी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी में बहुत सारे एंडॉर्फिन्स पैदा हों, बहुत सारे हैप्पीनेस हॉर्मोन्स पैदा हों। तो उसके बाद भी अगर आप सुबह अपनी शुरुआत पानी से करते हैं तो बिलीव मी आप सारा दिन अपने ये 3-3.5 लीटर पानी पीने के, या 18 किलो के इंसान को 1 लीटर पानी चाहिए, इस टारगेट को पूरा कर सकेंगे। और जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, अगर आप कितना ही कोशिश कर लें वेट लूज़ करने की, या एक्सरसाइज कर लें, प्राणायाम कर लें, अगर आपके अंदर पानी की मात्रा या आपकी हाइड्रेशन पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं उतनी फास्ट वेट लॉस या उतना अच्छा आनंद नहीं ले पाएंगे अपनी एक्सरसाइज का। तो पानी की मात्रा अच्छी रखें, और सैलेड की प्लेट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज हम सलाद खाने वाले भी बीमार पड़ रहे हैं संसार में। हम सब्जी मंडी में सेहत लेने जाते हैं लेकिन पेस्टिसाइड धनिया की चटनी खा के भी पेट में मरोड़ा उठ जाता है, बिकॉज ये लोग सब अपना क्या कहते हैं टॉयलेट करने भी जो है अपना किसान लोग खेत में जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब्जी मंडी का जितना भी माल या जितना भी सामान हम एज सैलेड यूज़ कर रहे हैं, हमें सलाद की प्लेट खानी है, चाहे नमक से, मीठे सोडे से, या ओजोन की जो मशीन आती है जो सारी पेस्टिसाइड और सारी जो कीड़ों के अंडे होते हैं हमारी सब्जियों के ऊपर उसको क्लीन कर देते हैं। तो आप साफ सुथरा ये सैलेड की प्लेट्स खा सकते हैं। और बाकी मैं बहुत धन्यवाद का फोन है मैम कि मैम प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद पीरियड आ जाते हैं, 6 साल से ऐसा हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा, क्या करें मैम? पायल गर्ल। ओके, तो पायल जी बेटा, आपको अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद पीरियड आ जाते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को रिपीटेड मिस्ड मिसकैरेज के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको 3 बार से ज़्यादा हो जाए तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए। तो पहली बात तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें, एंड सेकेंडली हमें इस बात को याद रखना होगा कि हम जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, टेस्ट्स हैं, या कोई ऐसी चीज़ को जानना कि कहीं आपकी बच्चेदानी में कोई सेप्टम नहीं है या कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन का ऐसा नेस्ट हो या घोंसला या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन का असर जो आपके बच्चे को बढ़ने फूलने नहीं देता है, हो सकता है आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो। तो एक सिंपल टिप जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा सकती है वो ये कि अगर आप ऐसे संसार के किसी ऐसे कोने में हैं जहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, या आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बिकॉज आपको वैसे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, तो आप ये बहुत ही ऑड सलाह है कि पुराने ज़माने में लोग किसी ऐसी बकरी के दूध का इस्तेमाल किया करते थे जो बहुत सारी नीम की निम्बोलियाँ खाए और नीम के पत्ते खाए, और आपको थोड़ा सा दूध दे और उसको आप उबाल के ठंडा करके एंटीबायोटिक की तरह ले। बट मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, और आपका काम बहुत सफलता से सिद्ध हो सकता है। थैंक यू। 5 मिनट क्राफ्ट इस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आया है
कई वर्षों से सिर में दर्द रहता है जी, क्या करें जी, नाक में गाय का घी भी डाला, बादाम रोगन भी डाला, लेकिन ठीक नहीं होता, मालिश भी करी। तो देखिए, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में योग करें 1 घंटा, और 1 घंटा सुबह 4-5 किलोमीटर की वॉक करके आए। ये काम आपको अर्ली मॉर्निंग में करना है। पहले 1 महीने आपको वॉक करनी है 4-5 किलोमीटर की, और 1 महीने के बाद आपको रनिंग के लायक बॉडी बनानी है। सारा सिर में दर्द गायब हो जाएगा। सिर में दर्द का रिलेशन होता है कि हमारा खाना पीना अगर 100% बर्न नहीं हो पा रहा, जो अनडाइजेस्टेड मील है उससे गैस बनती है, वो हमारे दिमाग में चढ़ती है, तब सिर में दर्द होता है। तो सिर में दर्द को कभी भी खाली दवाई से नहीं ठीक कर सकते, हमें लाइफस्टाइल ठीक करनी है, हमें अपना जो डेली रूटीन है वो सेट करना है। शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खाएं, उसके बाद वॉक करके आएं, फिर आप रात को जल्दी सोएं, 9:30-10 बजे तक सो जाएं, सुबह जल्दी उठ के आप ये 2 काम करें, तब जाके सिर में दर्द ठीक होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर अर्ली मॉर्निंग में करेंगे तो सिर में दर्द रह नहीं सकता, अगर हमने खाना अच्छा खाया। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, तली भुनी चीज ना खाएं। और इसके अलावा एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ, इनका क्या नाम है, इन कॉलर का ओके। सो आपको ये भी याद रखना है कि जब जब हमारे पेट में तेजाब की मात्रा ज़्यादा हो, मैं डॉक्टर साहब की बात को दूसरी तरह से अब पुटअप कर रही हूँ, कि जब जब हमारे पेट में तेजाब की मात्रा ज़्यादा होगी हमें सिर में दर्द हो जाएगा। और दूसरी बात है कि स्त्रियों में अगर पेशाब की थैली में 1 लाख से ज़्यादा कीटाणु होंगे तो उनको ये जो है पेट में तेजाब ज़्यादा बन सकता है। तो मोटी गल हैगी है, मोटी बात है कि आप पानी का भरपूर इस्तेमाल करें, बस खाने के 1/2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद ज़्यादा पानी ना पिए, और चीनी का कम प्रयोग करें। विकास राजपूत जी मैडम का इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, तो मैडम डॉक्टर प्रभजोत हैं, डॉक्टर प्रभजोत कौर, इनके हस्बैंड ऑर्थोपीडिशियन है डॉक्टर हरदीप, ये करनाल में गुरु नानक हॉस्पिटल है इनका, 20-25 सालों से हैं, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, ये इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, तो कोई क्वेरी हो तो 9222144 ये नहीं है मैम, अच्छा ठीक है, तो मैंने बताया था उनको, तो उसके बाद यस मैम, उसके अलावा एक क्वेश्चन है मैम कि फेशियल हेयर PCOD में कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने पूछा है। मयूरी चौधरी, अब हम लोग मैडम से परमिशन लेके 1 हफ्ते के बाद फिर ऐसे ही एक सेशन रखेंगे जिसमें कि आप प्रिपेयर होके आएंगे, और जो आपके रिलेटिव्स हैं, नियर्स एंड डियर्स हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल कॉलेज में, सबको आप बताएं कि ये सेशन दोबारा फिर होगा। मैम हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद फिर ऐसे सेशन होगा, आप लोग जो भी आपके जो नीडी हैं उन तक ये मैसेज जाए। और ये मैडम का एक व्हाट्सएप नंबर है, ये भी नंबर नोट कर लें, ये मैडम का व्हाट्सएप नंबर है, शायद दिखाई दे जाएगा, 999 मैम 999-222-1444 ये नंबर पे। और मैंने भी बहुत सारे डिसीज़ के बारे में भी, हम लाइफस्टाइल से अपनी डिसीज़ कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, वेरिकोज वेंस हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, हम लाइफस्टाइल से कैसे हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, ये मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जगदम्बा बेबी केयर वाले प्लेटफॉर्म पे बड़ी सारी वीडियो, आप ज़रूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू मैम। फेशियल हेयर कैसे, इनका क्या नाम है, पायल चौधरी। ओके पायल जी, मयूरी जी, फेशियल हेयर कम करने के लिए बहुत सी एलोपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इमीडिएटली फेशियल हेयर को कम करने के लिए, चाहे थ्रेडिंग या जो भी बालों को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन के जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स में या इस तरह से किए जाते हैं, टेम्परेरीली आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी को जड़ से ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, चाहे 2 साल लग जाए उसमें, 1 साल 2 साल लग जाए, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि अल्टीमेटली यू कैन गेट रिड ऑफ दिस हेयर। और जब भी आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन खिलाते हैं, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो या हॉर्मोनल पिल हो या कोई भी मेडिसिन हो, तो वो दवाइयाँ कम से कम 6 मंथ्स लेने के बाद ही आप लेज़र या परमानेंट रिमूवल करवाएं, अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि आप जल्दी निकलवा लेंगे तो रीग्रो कर सकते हैं। मैम ने बड़ा अच्छा वो दिया, देखिए जो हेयर ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर ग्रोथ, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है फीमेल्स में, तो वो हार्मोन्स का बैलेंस तब ठीक होगा जबकि आप लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, तो अननेसेसरी हार्मोन्स अपने आप डाउन चले आएंगे और जो फीमेल के हार्मोन्स ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर जाएंगे, तब हेयर ग्रोथ होगी नहीं आगे से। तो ये ना सोचेंगे परमानेंट है, ऐसा नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक होते ही, हार्मोनल बैलेंस ठीक होते ही ये हेयर ग्रोथ अपने आप चली जाएगी, ये ध्यान रखें। एक विजयश्री बोपचे, इनका क्वेश्चन कल भी आया था आज भी आया, विजयश्री बोपचे, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है इनका। सर मेरी एज 27 ईयर है मैम, 27 ईयर, वेट 53
वेट 53 है, एक साल हो गए हैं मैरिज को, मुझे पीसीओडी है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, पीरियड 15-20 दिन बाद आता है, लास्ट 3 मंथ से पीरियड इरेगुलर है, प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन बताएं। विजय सिंह। ओके विजय श्री, एक तो आपको अपने लोकल डॉक्टर के पास जाके वो 5 डेज की मेडिसिन प्राइमेल्यूटेन के नाम से आती है, जो 5 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन के लिए दी जाती है, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके ये 5 दिन की मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं, और जब भी आपके पीरियड 6 वीक्स को एक्सीड कर जाते हैं तो आप अपनी ये मेडिसिन 5 दिन खा के प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद आप 5 दिन ये दवाई लेके पीरियड लेके आएँ। और सेकेंडली, आपको आपकी शादी को तो 1 ही साल हुआ है अभी, सो मुझे विश्वास है कि अगर आप पानी दब के अच्छे से अच्छी मात्रा में पानी लेंगे, अगर आप चीनी छोड़ देंगे, अगर आप कपाल भाती करेंगे, अगर आप हरी सब्जियों का सूप पिएंगे, अगर आप सैलेड्स लेंगे, अगर आप रनिंग करेंगे, अगर आप खुश रहेंगे और एंथुजियास्टिकली नाम जपते जपते प्रेगनेंसी करोगे, तो आपकी ज़रूर प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अगर अगर कहीं क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि धक्का लगाए बिना कई बार अंडा नहीं बनता, तो वो धक्का जो है दवाई का लगाते हैं, आपको day 2 से day 6 तक 5 दिन या day 3 से day 7 तक मेडिसिन देते हैं, वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके पूछ सकते हैं। और लाइफस्टाइल आपने ज़रूर चेंज करना है, और जो पहले 3 महीने में अगर बच्चा ठहरता भी है तो वो आसानी से बाहर आ जाता है, यानी मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेके आप अपनी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हुए आप सही, जब आपका 70 किलो से वेट कम, आपका वेट तो वैसे भी ठीक है, तो आप अपना फर्स्ट 3 मंथ्स में ध्यान से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जो भी वो एडवाइस करें मेडिसिन ले सकते हैं, ताकि कोई मिसकैरेज ना हो। आज का स्पेशल सेशन महिलाओं के रोगों के बारे में है, फीमेल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। कि तानाजी का फोन है मैडम, मैसेज तानाजी, शायद ये शिंदे, तानाजी शिंदे साउथ इंडिया से हैं। मैम मुझे पीरियड नहीं आते 7-8 महीने से, मेरी एज 25 ईयर्स है। देखिए, पीरियड आने के लिए हमारी बॉडी में एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए अच्छे हार्मोन्स का, जो फीमेल्स के अंदर होने चाहिए। वो हार्मोन्स तब बनेंगे जब हम खुश रहेंगे, जब हम खुश रहेंगे बड़ी एक्टिव लाइफ होगी हमारी, और हमारा थोड़ा सा भगवान में ध्यान होगा, भगवान का नाम भी रखेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, 4 वाइट भोजन ज़्यादा नहीं लेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, तब नेचुरली बनेंगे ही बनेंगे अच्छे हार्मोन्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बनेंगे। तो पहले तो आप लाइफ स्टाइल तो ठीक कर ही लीजिए, दिन में ना सोएं, दिन में बिल्कुल ना सोएं, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें टाइम से। पूरा नींद तो हमें उतनी लेनी है, लेकिन सुबह जल्दी उठ के और रात को जल्दी सो के अगर हम करेंगे तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी, वो हार्मोन बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। और कैसे हमारे, अगर हमें पीरियड नहीं हो रहे तो हमारे लिए अलावा और कौन जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी और की गलती से हमें पीरियड नहीं आ रहे। हमारी कुछ गलतियां हैं, जैसे कि हमारे अच्छे हार्मोन नहीं बन रहे और बेकार हार्मोन हमारे डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए लाइफ स्टाइल तो ठीक करनी है। बाकी मैं बता इनका क्या नाम ताना जी डॉक्टर साहब की ही बात को मैं एक तरह से दूसरी तरह से कहते हुए कि थोड़ा सा भी बॉडी पे स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी वजह से हो, तो उसकी वजह से हमारा प्रोलैक्टिन या स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और अगर प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो कई बार ये टैबलेट लेके भी, प्राइमेल्यूटेन लेके भी कई बार पीरियड नहीं आते हैं। जब भी हमें समय पर अंडा बने ना, अंडा ना फटे, और अंडा फटने के बाद जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, अगर हमारी बॉडी को ये ना मिले तो हमें पीरियड नहीं आएंगे। अगर हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाए, जो डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आप खुश रहेंगे, कपाल भाती करेंगे, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग में, तो ये जो प्रोलैक्टिन है ये कम हो जाएगा और आपको बड़ी ब्यूटीफुली पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली आप अपना प्रोलैक्टिन, अपना थायराइड आप अपने डॉक्टर के पास जाके चेक करा सकते हैं। इज शी मैरिड? विकास राजपूत, सर मुझे 6 मंथ से एसिडिटी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है। गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण दूध दही है। दूध दही से बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, बेल्चिंग सेंसेशन होती है। तो आप कुछ दिन के लिए फाइबर्स वाला खाना लें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, और शाम के खाने के बाद, जैसे शाम को खाना सूरज छिपने से पहले खाएंगे फिर नहीं गैस होगी। जब सूरज की रोशनी होती है तो सूरज की रोशनी में सबसे ज़्यादा पावर है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने की। अगर सूरज की रोशनी के बाद खाना खाएंगे तब होगी गैस, तब होगी एसिडिटी। तो सूरज की रोशनी के रहते रहते खाना खा लें शाम को सूरज छिपने से पहले, और 1 घंटे के बाद वॉक करके हरड़ मुरब्बा ले लें, 2 हरड़ खा लें इसकी, 2 चम्मच इसका अर्क ले लें, फिर नहीं गैस किसी को रह सकती, फिर नहीं एसिडिटी होगी, फिर खाने को 100% बर्न करा देंगी। इसका इसको नाम कहते हैं संस्कृत में धात्री, संस्कृत में हरड़ का नाम होता है धात्री, धात्री की मैंने माँ, ये माँ की तरह हमारे पेट की रक्षा करती है, हमारा डाइजेशन बड़ा ही अच्छा कर देती है, पेट हल्का सा हो जाता है, बिल्कुल कमल के फूल जैसा सही हो जाता है, और बड़ा ही हम अच्छा फील करते हैं, फिर एसिडिटी नहीं होगी। और गलत खाना खाए ना कोई।
और इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि आपको, इनका क्या नाम है, विकास जी, आपको एक ही बात को अपना टारगेट बनाना है, अपना मिशन, अपना एम, अपना अपना मन इस तरह से बनाना है कि आपको अपने सिस्टम को प्यूरिफाई करना है, आपको पावन पवित्र बिल्कुल प्यूरिफिकेशन करनी है अपने सिस्टम की। तो आप स्टार्ट कीजिए पानी, आप सोचिए अपने मन में कि आपने 3-3.5 लीटर पानी पीना है, आपने चीनी का परित्याग करना है, और आपने मैं थोड़ी सी डॉक्टर साहब से डिफरेंट हूँ अपने विचारों में, हम सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, कि दही आपने शाम को नहीं खानी, खट्टी नहीं खानी, लेकिन गाय के दूध की दही जिसमें बिल्कुल मलाई नहीं हो, आप दही एक बहुत बड़ा माध्यम है इंसान को स्वस्थ रखने का। तो गैस है, एसिडिटी, आपने अपने आप को ओवरलोड कभी नहीं करना खाने से। अगर आप ताज़े फल सब्जियां सलाद खाएंगे और उसमें कोई कीड़े मार दवाई, कोई कीड़ों के अंडे ना हो, स्वच्छ तरीके से और एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो मुझे लगता है आपकी ये गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मैंने इसी वीडियो में पहले बताया कि किस तरह से आराम आए, आपको परमात्मा करेंगे पूरा आराम आ जाएगा। थैंक यू मैम। मैं बताऊंगा आपको कि सुबह के टाइम में नाश्ते में जरूर आप लौकी का जूस या पेठे का जूस लें, वो एसिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जब सुबह उठ के पानी पीते हैं आप, तो पानी पी के पीने के समय कभी आंवला ले लें, एक दो चम्मच आंवले का रस ले लें, कभी उसमें तुलसी का डाल के ले लें, कभी एलोवेरा का जूस ले लें, ये भी एसिड को ख़त्म करते हैं। इनको रसायन बोलते हैं, रसायन जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, इनका भी फायदा उठाएं। अच्छा, अभिषेक जी का है क्वेरी है, अक्सर बॉडी में अचानक पित्त उछल जाता है, हो जाता है, क्या करें? जो पित्त उछलता है वो नमक और मीठे की एक्सेस से, जब आयंस ज़्यादा, फ्री रेडिकल ज़्यादा बन जाते हैं बॉडी में हमारे, तब पित्त उछलता है। जिसकी फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर की कम होगी उसको पित्त उछलता है, जो नमक या मीठा ज़्यादा खाएगा उसका पित्त उछलेगा। तो नमक मीठा कम खाएँ, फाइबर ज़्यादा लें, सब्जी दाल खिचड़ी या रोटी खाएँ, और उसके अलावा हरिद्रा खंड आता है एक पतंजलि का, हरिद्रा खंड वो आधा आधा चम्मच सुबह शाम एक कटोरी दूध में उबाल के सुबह शाम ले लें, उससे डेफिनेटली आपको वो होगा। डॉक्टर MSDS लाइफ सेवर्स कह रहे हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू जी डॉक्टर MCDS लाइफ सेवर्स। मनोज देवंगन, सर 1 साल पहले मेरी बेबी हुई सीजरियन सेक्शन से, मैं साथ में फैमिली प्लानिंग भी करवा लिया था, उसके बाद से मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, अभी 80 kg है मेरा वेट, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए वेट का उससे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, वेट का उसके बाद की आपकी लाइफस्टाइल से रिलेशन है, तो आप लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। अगर आप अब 1 साल का बेबी हो गया, आप सुबह योग भी करें, 1-1.5 घंटा योग करें, 1 घंटे आप सुबह वॉक करके, अच्छे काम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, गलत काम में कंजूसी करनी चाहिए। 15 मिनट योग करके लोग कहते हैं कि मैंने तो बड़ा योग कर लिया, जब स्वामी जी के पास जाते हैं हरिद्वार में, वहाँ पे स्वामी जी 3 घंटे योग कराते हैं, फिर भी पता लगता है, गप्पों में टाइम निकल जाता है, 3-3 घंटे का पता लगता है, मजाक में ऐसे योग हो जाता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का योग होता है वहाँ पे। तो आप 1 घंटा योग करें, कम से कम 1 घंटा सुबह वॉक करें, 1 घंटा शाम को वॉक करें, इतना टाइम तो देखिए, 10% हमने जो इनकम करी, पैसा कमाया हमने ज़िंदगी में, अगर उसका 10% दान देंगे तब हम कहते हैं कि हमारा अब वाइट मनी हो गया, अब हमारा पवित्र हो गया पैसा, ये हमें दुख नहीं देगा। इसी तरह से हमें 24 घंटे में से 2.5 घंटे तो बॉडी के लिए देने पड़ेंगे, 10वां 10वां तो देना पड़ेगा बॉडी के लिए, नहीं तो हमें बॉडी धोखा दे जाएगी। तो बॉडी को, हमारी को फिट रखना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा इंडियन फिलोसफी में बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट है, मैं इंडियन फिलोसफी को याद करता हूँ, मैं ना एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता, ना आयुर्वेदपैथी के ऊपर, ना नेचुरोपैथी के ऊपर, मैं तो चाहता हूँ कि आप लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स को आप अगर मुट्ठी में रखेंगे, 100 ईयर्स तक आप निरोग रहेंगे। मेरे पापा 90 ईयर्स के होने वाले हैं और हेल्दी रहते हैं 100%, वो केवल बेसिक लाइफ के प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो आप प्रिंसिपल्स में पक्के रहें बिल्कुल, तो 10% टाइम बॉडी को दें, फिर आपको होगा। ऐसा कोई प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से लेना देना नहीं है, ये तो उसके बाद की आपकी कंफर्ट जोन की लाइफस्टाइल से ज्यादा लेना देना। इनका क्या नाम है? इनका नाम मैडम मनोज देवगन का प्लेटफॉर्म है, तो कोई मैडम बोल रहे हैं। ओके, तो इसमें मैं ऐड करूंगी कि आपकी अगर मतलब सिजेरियन को 1 ईयर हो चुका है, देखिए 3 महीने सिजेरियन के बाद हमारी जो है 70% ताकत आ जाती है हमारे टांकों में, और 1 साल के बाद 90% हमारे टांकों में ताकत आ जाती है। तो कपाल भाति प्राणायाम, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, या जो भी आप बड़ा इंजॉय करते हैं, रनिंग, या जो भी आप इंजॉय करते हैं, आप सैर, योग, एक अच्छा खान पान का स्टाइल, आप चीनी छोड़ दीजिए, और मुझे विश्वास है कि बड़े सिंपल प्रिंसिपल से सारी आपको सेहत सब्जी मंडी के सामान से मिलेगी, जो आप स्वच्छता के साथ अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ही कामयाबी से आप धीरे धीरे इसको पानी अच्छा पीने के साथ आप सफलता हासिल करेंगे। सुनील कुमार जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बोला मैडम सुनील जी ने, है ना। उसका सुधा द एलिक्सर ऑफ लाइफ,
इन्होंने ये प्लेटफॉर्म है, उनका सर लीवर एनलार्ज हो गया है, हाई एसिड के लिए कुछ बताएं, कुछ बताएं, एज 35 है, वेट 50, ब्रेस्ट में फाइब्रोइड्स भी है, स्किन भी ख़राब हो गई है सर भी। मेरे को लगता है कि आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स कम रह गए हैं, आप अच्छे हार्मोन्स बढ़ाओ सुबह के अच्छे कर्म करके, सुबह अच्छे काम करो, आप डेफिनेटली आपके अच्छे हार्मोन बढ़ेंगे, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के, बाकी मैं बताएंगे। So, I don't know what... 35 years age है सुधा। Okay. 35 years age है, ब्रेस्ट में फाइब्रोइड्स हैं और स्किन भी खराब हो गई है, एसिड ज़्यादा है, लीवर एनलार्ज है, दोनों एक ही बात है, ब्रेस्ट फाइब्रोइड और आई थिंक आपका जो लिवर है वो भी रिस्पॉन्ड करता है अगर हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाए, फ्राइड की मात्रा बढ़ जाए। लीवर को भी बहुत, लीवर बेसिकली भगवान ने एक मशीन लगाई है हमारे शरीर में, वो जो अनाज को प्रोसेसिंग करती है, अनाज की प्रोसेसिंग होती है हमारे अंदर, तो हमें बड़े ही बैलेंस तरीके से खाना जो शरीर के लिए हल्का हो, हमने खाने के बारे में काफ़ी इस वीडियो में पहले भी बता दिया है, चीनी का प्रयोग कम करें, पानी पिए, ताज़े फल सब्जियां सलाद लें, एक्सरसाइज में सर में दर्द जो होता है वो हेडेक जो होता है वो इंडेशन से ज़्यादा रिलेशन है, इनएक्टिविटी से हेडेक होता है, सुबह के टाइम में एक्टिव ज़्यादा रहें और भोजन सोच समझ के खाएं कि मेरी शक्ति कितनी है, मेरी एक्टिविटी कितनी है, अगर मेरी एक्टिविटी 4-5 किलोमीटर की सुबह की है आउटडोर एक्टिविटी तब मैं भोजन को पचाता हूँ, अगर आप सुबह 4 किलोमीटर की वॉक नहीं करते फिर राजमा नहीं पचेगी, फिर छोले उड़द पनीर मटर नहीं बचेंगे, पनीर मटर राजमा छोले तो 10 किलोमीटर के रनर के लिए है, वेट लिफ्टर के लिए है, या किसान जो हल जोतते हैं, जो किसान ठेके पे देते हैं खाली उनके लिए नहीं, जो खुद खेती करते हैं मेहनत करते हैं उनके लिए भारी चीज़ है, नहीं तो फिर वो गैस बनेगी सिर में दर्द होगा, तो इसलिए खाने को भी ठीक रखें, और भारी चीज़ है नहीं तो फिर वो गैस बनेगी सिर में दर्द होगा, तो इसलिए खाने को भी ठीक रखें और एक्टिविटी करें। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा था कि पेट में तेजाब ज़्यादा होगा तो सिर में दर्द बहुत आसानी से हो जाएगी, तो आप पानी सुबह 1 लीटर पानी पी के सारे एसिड को वॉश ऑफ करिए। आजकल तो हम ये भी कहने लगे हैं कि एलर्जी भी आप पानी से वॉश आउट कर सकते हैं, तो और इसके अलावा पानी ज़्यादा पिए, और जैसा कि आपने पहले कहा मैम, श्रीता कंवर का फ़ोन है, श्रीता कंवर कि मैम मेरे को PCOD है, एज 30 ईयर्स है, ये रेगुलर पीरियड हैं, 15 साल से शादी को 7 साल हो गए, 15 साल से इनको रेगुलर पीरियड है ना, शादी को 7 साल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, एग साइज 6 mm 10 mm ही बनता है। इनका नाम सरिता जी, हम इस सवाल का जवाब इस वीडियो में पहले भी दे चुके हैं इसी सेशन में, तो आप ज़रूर उसका आंसर देखिएगा, और मुझे विश्वास है कि अच्छे लाइफस्टाइल से अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी में किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन का प्रवेश हो जाता है, अगर इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाए, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें और डिटरमिन कर लें कि मैंने अपने शरीर को जीतना है, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल एग बनेगा। बस में ये आपके हाथ में, इसमें बिल्कुल भी ये ना सोचे भी कोई मेरे को ठीक रहेगा, आपको जरूर पहल करनी पड़ेगी, बिकॉज एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि परमात्मा की कृपा से शायद ही कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसकी पॉलीसिस्टिक ओवरी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड, तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। अच्छा ओके ओके, वेरिकोसील का ट्रीटमेंट जो सोशल प्लेटफॉर्म पे बस इतना ही बताया जा सकता है कि वेरिकोसील में आजकल हम सभी डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी आप इसका अननेसेसरीली ऑपरेशन ना करवाएं। आजकल IVF, ICSI इतनी तरह की विधि है, और अगर इसके लिए कैल्शियम डोबिसिलेट नाम की मेडिसिन आती है जो 2-3 महीने लेने पे अच्छा असर दिखा जाती है, आपकी जो वेरिकोसील्स की वेन्स सिंगुड़ जाती हैं, टेस्टिकल में ठंडक पैदा हो जाती है और स्पर्म्स सही हो जाते हैं, तो इसका अननेसेसरीली ऑपरेशन ना करवाएं, और ART विधि से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारे बहुत से भाइयों को तो आई थिंक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या वेरिकोसील जो है, देखिए जितनी भी हमारी कैविटीज़ हैं, चाहे हार्ट के चारों तरफ की वो है फेशियाँ हैं या कहीं जो वो सारी उनकी मसल, उनकी टोन अगर अच्छी होगी तो हमारे अंदर के जो ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे रहेंगे, तो उनकी टोन अच्छी करने के लिए सुबह की आउटडोर एक्टिविटी अच्छी सी हो,
कंफर्ट जोन में रहने से वेरिकोसील होती है, वेरिको वेन्स भी, जो वेरिकोज वेन्स है वो भी कंफर्ट जोन में रहने से होती है। तो सुबह की आउटडोर एक्टिविटी अच्छी सी हो और हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, पूरी रात अगर एसी चलता रहेगा और हम कंफर्ट से होते रहेंगे और सुबह हम फिर नाश्ता कर लेंगे तब दिक्कत होगी। सुबह उठ के हमें रनिंग करनी है की आदत डालनी पड़ेगी, रनिंग करके आए पहले 4-5 किलोमीटर की वॉक की आदत डालें 1-2 महीने, फिर रनिंग करें, उससे ओवरऑल हमारी बॉडी की फिटनेस का लेवल अच्छा होगा, फिर नहीं वेरिकोसील हो सकती। और एक खाने में 4 व्हाइट भोजन ना हो और फिर खाने में कोई भी बाजार की चीज़ ना हो, हम सिंपल लंगर जैसा खाना खाएं, फिर नहीं वेरिकोसील होंगे बिल्कुल भी। तो वेरिकोसील को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल को ठीक करें, मुट्ठी में ले लें फिर वेरिकोसील। सफ़ेद दाग के लिए पूछ रहे हैं विमल किशोर जी, जो सफ़ेद दाग हैं हमारी बॉडी का जो कलर है कॉम्प्लेक्शन, वो हमारी बॉडी में पिगमेंट सेल्स होती हैं स्किन में, वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारी पिगमेंट सेल्स को कितना ब्लड सर्कुलेशन मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है वो डिसाइड करेंगे कि हमारे सफ़ेद दाग होंगे या नहीं होंगे। तो सफ़ेद दाग ना हो, एक तो हमारी ओवरऑल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, कोई भी बीमारी ठीक करनी है हमें तो हमें पहले फिटनेस का ध्यान रखना होगा। फिटनेस कैसे ठीक करें, तो एक्टिविटी अच्छी रखें, आउटडोर एक्टिविटी। और दूसरा एक टैबलेट आई है विटिनो प्लस, विटिनो प्लस एक टैबलेट है, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिला है हमें। तो वो एक एक गोली सुबह शाम 3 महीने के लिए लेनी होती है, वो ले लें। एक पतंजलि की कायाकल्प वटी होती है, कायाकल्प वटी, वो एक एक गोली सुबह शाम वो भी 1-2-3 महीने ले सकते हैं। 1 महीने के बाद ही यूजली स्किन की जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनका इफेक्ट पता लगता है, तो वो ले लें। साथ में योग करें जिससे कि हमारे खुद के हार्मोन्स अच्छे हों, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और ऑक्सीजनेशन अच्छा हो, डिटॉक्सीफाई हो बॉडी। और गलत चीज़ खाएं ना, लौकी का जूस, पेटे का जूस, ये सारे बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं। और जिसको भी बीमारियाँ हैं तो मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में एक बार व्रत भी रखें, फास्ट रखें, जिससे कि बॉडी डिटॉक्सीफाई, पीसीओडी हो, फाइब्रॉइड्स हो, तो उसमें सब में ये हेल्प करती है। मेरी मम्मी तो हफ्ते में 3 व्रत रखते थे, लाइफ लॉन्ग उन्होंने 2-3 व्रत रखे। मेरी वाइफ हफ्ते में 2-3 व्रत रखते हैं। और अब 4 महीने तो हम लोग सावन, भादो, आसूस, कार्तिक एक ही टाइम खाना खाते हैं, 4 महीने लगातार एक ही टाइम खाना खाएंगे हम लोग हेल्दी रहते हैं। कम खाएंगे तो निरोगी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और ज़्यादा 3-3 टाइम खाना खाएंगे तो किचन में हमारी ज़िंदगी का आधा 1/3 पार्ट निकल जाएगा, तो उससे किचन का टाइम भी बचता है और हम कॉन्स्ट्रक्टिव बनते हैं, क्रिएटिव बनते हैं और हम दूसरों की भी हेल्प कर पाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खाने का थोड़ा सा वो करके और फाइबर्स वाला कच्चा खाना ज़्यादा बढ़ाएं, उससे फिर ये दिक्कत ठीक होगी। सुमन जी का दोबारा से आया क्वेरी कि सर मुझे यूटीआई प्रॉब्लम है, यूटीआई प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने डेली गिलोय जूस लेना शुरू कर दिया मॉर्निंग में 1 साल से। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ऐसे पॉजिटिव कमेंट जरूर भेजें। और मैडम अगले हफ्ते भी हमारे साथ आएंगे, आप हमें बताएं जरूर, तब हमारे आज के सेशन का फायदा होगा कि आपने क्या किया और क्या फ़ायदा मिला। अब पीछे मैंने एक सेशन किया था थायराइड के बारे में कि थायराइड डिसऑर्डर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरी गुड़िया जो सौम्या है, ये सौम्या जो 14 साल की हो गई है, ये देखिए, तो इसने योग करके दिखाया था कि थायराइड कैसे ठीक हो। तो साउथ इंडिया से, चेन्नई से, पता नहीं मुंबई से मेरे पास वीडियो कॉल आई कि मैं सर 10 दिन के अंदर मेरी थायराइड ठीक हो गई, जो 8 साल से थी, जो मैंने 10-12 दिन 15 दिन मैंने लगातार वही वाला सारा योग किया और सारा खाना चेंज कर दिया। त्रिकटू भी लिया उन्होंने, त्रिकटू मैंने बताया था, पिपली सोट और अजवाइन हल्दी से मिला के, तो वो उन्होंने वो भी किया और वो उससे उनके 10 दिन में लगभग थायराइड का काफ़ी हद तक सारे सिम्टम गायब हो गए, बड़ा अच्छा लगा उनको। ऐसे ही इन्होंने लाइव आपके सामने बताया, या कमेंट आप लोग भी देख सकते हैं सुमन जी जो कह रहे हैं। तो ये अपना विश्वास करें कि हमने ही बीमारी पैदा की है, हम ही से ठीक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम हम अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं, बस हमें एक सटीक गाइडेंस चाहिए होती है, जैसे मैडम ने दी है ऐसे गाइडेंस को फॉलो करेंगे, सबसे ज्यादा कीमती है गाइडेंस। दवाई तो एक पुश करती है, एक जैक लगा देती है, लेकिन हम बैसाखी की तरह से हमें हमेशा लाइफ लॉन्ग सारा दवाई का लेते, लाइफस्टाइल के ऊपर हम कॉन्फिडेंस हम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल होगी तो बस थोड़े से पुश का साथ ही, दवाई का हल्का सा पुश के साथ काम चल जाएगा, लाइफस्टाइल हमें जरूर ठीक कर देगी। एक है सुनील कुमार सर, 15 10 15, अच्छा वो तो मैंने सिर दर्द का बोल दिया था, और कोई मैडम कुछ कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि विश्वास कीजिए कि ये जो लाइफस्टाइल है इससे हम 80-90% तक की बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी सोच शुभ होगी, हम परमात्मा के आगे अरदास करके जो काम आज हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर मनोज मित्तल 4 बजे उठ जाते हैं, हम नहीं उठ पाएंगे शायद, लेकिन विश्वास कीजिए आप थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए जीवन में कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें हल्का सा लाइफस्टाइल शुरू कीजिए और परमात्मा करेंगे कि आपके इस तरह की, अगर आई एम वेरी टच्ड एक्चुअली कि डॉक्टर मनोज मित्तल इतने अच्छे सेशंस कर रहे हैं और परमात्मा करें कि इस तरह के गाइडेंस से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को टच कर पाएँ जिनसे हम निजात पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कई बार सोच लेते हैं कि पता नहीं इससे आराम मिलेगा कि नहीं। तो ईश्वर करें सभी रोग मुक्त रहें।
थैंक यू। देखिए जो हम मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो रोहित जी का फ़ोन आया है कॉमेडी डाइट का प्लेटफॉर्म से है कि आपका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ रहता है। ये देखिए लिंक के लिए है, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इससे केवल आपको लिंक मिलेगा। देखिए दिन भर में कई हज़ार व्हाट्सएप आते हैं, हम लोग उसका आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन लिंक आपको जरूर मिल जाएगा, जिससे कि आप मेरे से प्लेटफॉर्म से पे आके प्रेटो का या लाइब्रेट का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आके मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं कंसल्टेशन भी बस चार या पाँच ही दे सकता हूँ एक दिन में, लगभग मेरे पास एक घंटा होता है दिन भर का, क्योंकि सुबह भी ओपीडी हैवी होती है, शाम को भी ओपीडी हैवी होती है, तो एक घंटे में मैं चार पाँच कंसल्टेशन देता हूँ। तो उसके लिए ये व्हाट्सअप नंबर ये लिंक के लिए है, आप लिंक इसे ले सकते हैं। इसी तरह से मैडम का भी ये व्हाट्सअप नंबर है, हम लोग वन टू वन एकदम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, उसके लिए हम सेशन रखते रहेंगे बार बार, जिसमें कि वन टू वन क्वेश्चन कर लें। ये मैडम के भी ये दो नंबर हैं, देखो बताना बोल के राहुल बोलो। 999 हाँ 999 1444 ये मैडम का व्हाट्सएप नंबर है, और एक ये इसमें चलता है, और एक ये नंबर है, और मैं हर फोन का शायद जवाब ना दे पाऊं, बट स्टिल आई गेट टू नो कि यू वांट टू आस्क समथिंग। और ये एक्चुअली मैं निसंतान था कि डॉक्टर हूं, सो दिस इज आवर आईवीएफ हेल्पलाइन। परमात्मा करे आपको डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े, जिसको जरूरत है, लेकिन जो नीडी है उसको जरूर आप बताएं, जिससे कि उनकी हेल्प मिल सके। और बाकी मैंने बड़ी सारी वीडियोस अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जो यही जो जगदम्बा बेबी केयर का प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, कि हम लाइफ स्टाइल से डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं, हम पीसीओडी फैटी लीवर को कैसे, तो जरूर देखें। एक एक वीडियो, एक एक सेशन 8-8, 10-10 मिनट का है। और प्रेगनेंसी के बारे में तो मेरी सीरीज है कि हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे हो, कि बच्चा होने वाला स्मार्ट हो, क्योंकि मेरे को तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। जो मेरी बेटी है सौम्या, बेटा है पार्थ ने एमबीबीएस कर लिया है, इसका एम्स में सिलेक्शन हुआ था, इसकी ऑल ओवर इंडिया 42 रैंक आई थी, और बड़ा अच्छा बड़ा होनहार बच्चा है ये। अब इसने एमबीबीएस कर लिया, अब एमडी की तैयारी कर रहा है। गुड़िया को सौम्या को पूरी भगवद गीता याद है इसे, 10th में है, एक 10th क्लास में, तो जो बनना चाहे बन से। मेरे बेटे से बड़ा मेरा जो भतीजा है 2 साल बड़ा, उसकी आईएएस में 29th रैंक आई, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपलिसिटी, सिंपल लाइफ स्टाइल। सिंपल लाइफ स्टाइल से हम बड़े से बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं, कुछ भी हमारे लिए दुनिया में पीछे नहीं है। बस मैं ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग हेल्दी रह सकते हैं, जैसे हमारी पूरी फैमिली हेल्दी एंड स्मार्ट है, ऐसे ही आप हेल्दी एंड स्मार्ट रहेंगे अगर आप कॉन्फिडेंस रख लेंगे कि हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैं आप में कॉन्फिडेंस जगाना चाहता हूँ, और ये पॉसिबल है, कोई भी बीमारी छू नहीं सकती हमारी परमिशन के बिना। हमें कोई दिक्कत होगी तो हमारी मिस्टेक से होगी, और वो मिस्टेक हम आपको बता देते हैं। हमारा सेशंस का यही मकसद होता है, चाहे कोई सर्जिकल प्रो, आगे से मैं चाहूँगा कि मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक सेशन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर के बारे में भी रखेंगे, कि डॉक्टर हरदीप आएंगे हमारे साथ में, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैम को, तो आने वाले अगले हफ्ते में, ठीक है मैम? हाँ, एक सेशन डॉक्टर हरदीप के साथ होगा कि ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर से कैसे बच सकते हैं हम, कैसे अपने घुटने की हेल्थ को अच्छा रखें, कैसे कमर की हेल्थ को अच्छा रखें, कोई फ्रैक्चर अचानक किसी को हो जाए, पड़ोस में किसी को हो गया, हम सड़क पर जा रहे हैं, तो उसमें क्या फर्स्ट एड करनी है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आपके ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी अगले हफ्ते हम सेशन रखेंगे, उसमें भी जुड़ें, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू डॉक्टर मनोज। परमात्मा करे आप सबका जीवन हेल्दी हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, दिव्य हो, और सुख और शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। थैंक यू। एक जीकेटी प्लेटफॉर्म से बार बार आ रहा है कि भाई मेल हार्मोन्स के, मैंने कई बार आंसर दे दिया है तो बड़े रिपीटेडली आ रहा है, तो मेल हार्मोन्स को ठीक करने के लिए, देखिए हार्मोन्स का बैलेंस इम्बैलेंस तब होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण होता है हमारी लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस। अगर हमारी लाइफस्टाइल संतुलित है, अगर हमारा भगवान में ध्यान है, फिर नहीं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता। किसी भी महापुरुष का, इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, गुरु जो ये थे, मान लो स्वामी विवेकानंद थे, पूरा उसमें कितना भारत गुलामों में जगड़ा हुआ था, गुलाम लोगों के जकड़न में था, फिर भी जाके उन्हीं लोगों को शिक्षा दे दी जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था। तो ये इस लेवल के हार्मोनल लेवल उनका कितना अच्छा होगा, कितने पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे उनके अंदर, ये हमारे डिटर्मिनेशन से आते हैं, हमारे हार्मोन बनते हैं। तो हार्मोन्स कोई हम ये नहीं कि भाई हार्मोन्स बाजार से खरीद के उसके इंजेक्शन लगा लेंगे तो हमारे हार्मोन्स पूरे हो जाएंगे, वो तो एक बेशाकी है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है हमारी थिंकिंग से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से। विचार हमारे हाईएस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, हार्मोन बैलेंस ठीक होंगे, लाइफ को हमें हेल्दी रखना चाहिए। और इसके अलावा कई बार टेस्टिस आर अफेक्टेड बाय सम इन्फेक्शंस, सम क्रॉनिक इन्फेक्शंस, कई बार टेस्टिस में एडिक्वेट हमें स्टिमुलेशन नहीं आ रही होती, गोनाडोट्रोफिन्स ऊपर से रिलीज नहीं हो रहे होते, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर
एंड्रोलॉजिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, या गायनी एंड एंड्रोलॉजिस्ट की टीम जो हम इनफर्टिलिटी या इस तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, उनके पास जाके अपना एनालिसिस करवाएं, कारण पूछें कि एग्जैक्ट कहाँ क्या परेशानी है और उसको हम जड़ से ठीक कर सकें। एलोपैथी में इनको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एलोपैथी में। और आयुर्वेद में जैसे स्वामी रामदेव जी के औषधालय हैं हर जगह पे, चिकित्सालय, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं, जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं उनको भी दिखाएं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी। जो लाइफस्टाइल में कमी होगी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बता देंगे, और जो कोई इनबोर्न आपको कोई दिक्कत होगी, अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बता दिखा देंगे, उनसे मिले, फिर हमसे फिर दोबारा अगले हफ्ते, इस बीच वर्कआउट कर लें आप और फिर अगले हफ्ते फिर मेरे साथ जुड़े, तो उससे हम और ज़्यादा क्लियरली बता पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। फिनिश।